एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है मेडिकल एस्पिरेंट्स का, वो है उन लोगों को फिजिक्स सबसे टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट सबसे टफ लगता है, नाइटमेरिश लगता है। और आपकी किताब तो खैर बहुत पॉपुलर है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए भी, क्या लगता है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करें आपके विचार कि वॉट मेक्स फिजिक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस मेडिकल एस्पिरेंट्स, वॉट शुड दे डू सो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ इन फिजिक्स? अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ है। मेरे को तो ये लगता है कि फिजिक्स सबसे इजी है, बिकॉज फिजिक्स में आपको बेसिकली केवल कंसेप्ट लर्न करने हैं। मतलब बाकी सब्जेक्ट में, जैसे आप मैथ्स लो, बायोलॉजी लो, कुछ भी लो आप, जो है उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैथ्स में या बायोलॉजी में आपको बहुत पढ़ना है, फिजिक्स में तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो अपने आप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स अपने आप हो जाती हैं। आप ये देखिए, एक्चुअली बच्चे, मेरे को जो लगता है, वो थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा गलत लेते हैं। वो प्रॉब्लम के थ्रू कंसेप्ट वो करते हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं प्रॉब्लम ज़्यादा करूं, जबकि आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर तो बहुत ही लीस्ट आवर्स लेता है फिजिक्स। ओके, सो दिस इज व्हाट यू सजेस्ट, कि मेडिकल एस्पिरेंट शुड फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट रेदर देन जस्ट प्रॉब्लम। फिजिक्स बेसिकली सब्जेक्ट ही कंसेप्ट का, अगर आप देखो वो एक्चुअली प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं ज़्यादातर बच्चे, वो प्रॉब्लम से कंसेप्ट नहीं आता जो है। ग्रेट पॉइंट आनंद, यू हैव मेंटर्ड सो मेनी medical aspirants, so what do you say, and you are a physics teacher yourself, right? So what do you suggest, what should they do or not do to make physics not so nightmarish for them? Okay, so I will add another point to what sir has said, but before what sir has said, I would take an example. In fact, my sister sir, she was preparing for her medical exam and it was our first year of teaching. So she was studying with us and I went and taught her a concept, as you rightly said. And she was dropping, so she had already taken some coaching before that. And she said, भैया आपने तो इसमें मेरे को shortcut नहीं बताया, आप मुझे shortcut बताओ, मुझे concept नहीं समझना। And I clearly relate what sir is saying, that most of the medical aspirants, they try to remember by doing lot of problems of physics rather than understanding the concept. Because every chapter has only 4 to 5 concepts. Exactly. And if they understand those concepts, I think physics बहुत आसान हो जाती है. बहुत easy हो जाती है. Right. So that is one point. The second point on the top of that is the initial preparation of physics itself. Because maths से शायद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूर जाते हैं, medical के बच्चे. इसलिए जब वो initial part of physics आता है, which has mechanics and which has lot of calculus and algebra like vectors and all, then they fear, because it is the same thing, they fear that it is maths which I am again doing, and therefore they start approaching the whole thing through problem solving, aur wahin pe unka pura fundamental weak ho jata hai. So I would suggest the medical aspirants to wait for 4 or 5 months before this mechanics get over, and us samay tak apne process ko change na kare. Try to build as much concept as possible, because apart from mechanics, the rest of physics is simple. Actually, वो बहुत simple है. बहुत simple है. और वो बिल्कुल आसानी से approach किया जा सकता है. Exactly. तो बस ये 4 महीने की बात है जब बच्चों को actually वो storm को weather करना होगा. Understood. Perfect. So I think in conclusion, maths से भागना था इसलिए medical लेते हैं maximum लोग. और जब मैथ्स दिख जाती है फिजिक्स में तो दैट इज द मेजर रीजन फॉर देम टू फियर इट. सो प्रोबेबली यू नो द वे टू काउंटर इट इज यू नो नॉट टू लूज एंथुसियाज्म इन द इनिशियल पार्ट एंड जस्ट टू सस्टेन इट.